नमस्कार, आप देख रहे हैं केकेआर न्यूज। मैं हूं आपके साथ कंचन सिंह राजपूत। ये शुरुआत करते हैं खबरों की। गौरीघाट थाना अंतर्गत ग्राम चीवला में स्कूल के पास जुआ खेलने के विवाद को लेकर युवक की हुई हत्या के बाद पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने घटना की जानकारी सामने आते ही तीनों ही संदेहियों को गिरफ्तार किया, जिसमें राजेश अहिरवार, बबलू थापा और रविंद्र गुण को गिरफ्तार कर जब सख्ती से पूछताछ की तो उन्होंने हत्या करना स्वीकार कर लिया। घटना बीती रात की थी, जब 32 वर्षीय युवक के साथ उसके ही पड़ोसियों ने रॉड और लाठी के हमले से दनादन वार कर सिर कुचल दिया, जिसके बाद युवक ने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया। पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए तीन लोगों को हिरासत में लिया था, जिनसे सख्ती से पूछताछ की तो आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। पूरे मामले की जानकारी देते हुए गौरीघाट थाना प्रभारी भुवनेश्वरी चौहान ने बताया कि रविवार के चलते मृतक और आरोपी साथ में ही बैठकर ताश खेलते रहे, जिसमें जीत हार पर दांव भी लगाया जा रहा था। खेल समाप्त होने पर मृतक द्वारा पूरे पैसे रख दिए गए, जिसके चलते सभी में विवाद हुआ, लेकिन मृतक वहां से निकल गया तो आरोपी उसके घर पर भी पहुंचे और उसके परिजनों को देख लेने की धमकी देते हुए निकल गए। और देर रात जैसे ही युवक उन्हें मिला तो उन्होंने पीछे से उसके सिर पर ताबड़तोड़ वार कर उसे मौत के घाट उतार दिया। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। जी मैम, हत्या के आरोपी गिरफ्तार हुए, किस प्रकार का था पूरा? ये कल दिनांक को थाना ग्वारीघाट अंतर्गत ग्राम छिवला में एक 32 वर्षीय युवक की हत्या हुई थी, जिसका नाम उमाशंकर अहिरवार उर्फ छोटू अहिरवार था। इसमें पुलिस ने तीन संदेहियों को उठा करके पूछताछ की और इसमें तीन आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, जिसमें राजेश अहिरवार, बबलू थापा और बड्डू उर्फ रविंद्र गोंड नाम के तीन लोग हैं। ये दिन भर से मृतक और आरोपी साथ में ही, कल चूंकि रविवार था तो ये आपस में सुबह से ही चौराहे पे ताश के पत्ते आपस में खेल रहे थे। खेलते खेलते में इन लोगों ने कुछ पैसों आपस में भी वो किया, तो जो मृतक है वो पैसे रख लिया था इनके। इसी बात को लेकर के इनका विवाद हुआ तीनों से। फिर तीनों ने इसके घर में जाकर के भी पेरेंट्स को बताया इसके मृतक के कि भाई आपका बेटा है जो हमसे विवाद कर लिया है, हमारे पैसे रख लिया है, आज तो हम इसको वो कर देंगे। तो इसी बात को लेकर के इसने मन में पाल लिया राजेश और इन लोगों ने कि ये आए दिन भी ऐसे इनको इंसल्ट टाइप से करता था, तो इस वजह को बनाते हुए इन्हें इंटेंशनली फिर प्रॉपर तीनों ने साथ में बैठकर योजनाबद्ध तरीके से लाठी और रॉड से इनके साथ सिर पे हमला किया। इसका ये इंतज़ार ही कर रहे थे कि अब आज ये आएगा तो इसको निपटाएंगे ही, क्योंकि हमसे चार लोगों के सामने विवाद करके हमारी इंसल्ट किया है। और इसी बीच जब मृतक शाम के टाइम रात में जब आया चौराहे पे, तो इन्होंने पीछे से वार करके फिर इसके हत्या कर दी। स्कूल के पास खेलने से भी मना किया था इसने? हाँ, ये क्योंकि ये साथ में ही खेल रहे थे, लेकिन जब ये आरोपी हार गए तो इसने, आरोपी ने कहा कि आज तो तू जीत गया, कल मैं तेरे को हराऊंगा। तो इसने कहा कि मेरे से, इसी बात को लेकर विवाद किया कि मेरे से ऐसी बात क्यों कर रहा है, मैं तुम मुझे क्या हराओगे, मैं खुद ही पुलिस को सूचना दे दूंगा और यहाँ पे तुम क्यों खेलते हो। ये बात तीनों गिरफ्तार जी तीनों आरोपी।